दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और आज मैं आपके लिए बच्चों एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूं कि पाइथन लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर हम कैसे वर्क करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके द्वारा हम लोग कंडीशंस के ऊपर वर्क कर सकते हैं या कंडीशंस के ऊपर कार्य कर सकते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने चल रहा हूँ कि कैसे किस प्रकार से आप पाइथन लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करके कंडीशंस को हैंडल कर सकते हैं। देखिए, कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स आपके होते हैं वो उनकी मदद से आप करते क्या हैं, तो मैं लिख रहा हूं थोड़ा आपके लिए। दे आर यूज टू वर्क विथ कंडीशंस, जिनके द्वारा हम लोग बच्चों किस पर कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, किस पर कंडीशंस पे वर्क करते हैं। तो आइए देखता हूं मैं, आइए आपको बताता हूं कि कौन कौन से वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो पाइथन में उपलब्ध हैं। तो चलिए देखा जाए लिस्ट कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके पाइथन में उपलब्ध हैं। तो देखिए मैं पूरी लिस्ट आपको दे रहा हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट्स की लिस्ट जो कि पाइथन की है। एक एक करके उनके बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले आपका इफ आएगा, नंबर दो पे इफ एल्स आएगा, नंबर तीन पे इफ एलिफ और एल्स का नंबर आएगा, और नंबर चार पे आपका क्या आएगा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आएगी। ये देखिए चार डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो कि पाइथन में बच्चों एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से, इफ, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स और चौथा कौन सा है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। तो आओ एक एक करके डिस्कस किया जाए आपके सामने कि कैसे किसका क्या रोल है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको इफ के बारे में बताता हूं। इफ क्या करता है, इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। बच्चों ये कब यूज किया जाता है, जब एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं स्टेटमेंट्स को, और कब, जब आपकी दी गई कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। इसका सिंटैक्स क्या होगा इफ का सिंटैक्स माने बच्चों प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग। तो देखिए इफ के साथ आप देंगे कंडीशन, इफ के साथ आप दोगे कंडीशन और जितने स्टेटमेंट आपको वर्क करने हैं, स्टेटमेंट वन अप टू स्टेटमेंट एन, ये पूरा आपका ये ब्लॉक आपका क्या है, इफ का ब्लॉक है। इसको गौर से समझने की कोशिश करिएगा। इसमें ये जो आपकी कंडीशन है ये कैसी कंडीशन होगी, लॉजिकल कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी, लॉजिकल कंडीशन होगी। और ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई, ट्रू माने पाइथन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू के केस में ये स्टेटमेंट्स आपके क्या होंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट ट्रू के बजाय फॉल्स निकली, तब जो ये ब्लॉक आप देख रहे हैं ना स्टेटमेंट्स का बच्चों, ये एग्जीक्यूट या रन नहीं करेगा।
तो ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आइए मैं आपको इसी चीज को एक एग्जांपल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा सब लोग, पूरा एक छोटा सा प्रोग्राम, एग्जांपल ऑफ इफ स्टेटमेंट। तुम्हारे इफ स्टेटमेंट के एग्जांपल, तो चलो देखो। मान लीजिए मैंने यन पर एक वैल्यू डाली 5, चेक करिएगा कंडीशन क्या दिया। इफ यन अगर बड़ा है किससे, आपका जीरो से, तो प्रिंट। कुछ स्टेटमेंट जानबूझ के समझाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉन्ग्रेट्स, ये एक हो गया। फिर अगला प्रिंट द नंबर इज, मैसेज क्या प्रिंट करा रहा हूं, पॉजिटिव। ये देखिएगा बच्चों, तुम्हारा यन का मान कितना है, 5 है। आप देखने से ही लग रहा है कि यहां यन की वैल्यू जीरो से बड़ी है, क्योंकि 5 आप जानते हो जीरो से बड़ा है। बट कैसे कंप्यूटर चेक करेगा, तो ये देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ माने यदि यन बड़ा हो जीरो से, ये आपका क्या है, ये कौन सा ऑपरेटर, ग्रेटर देन, इसको कहते हैं हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि कंडीशन के निर्माण में यूज होता है। किसकी मदद से ये कंडीशन बनी है, इस ग्रेटर देन सिंबल या ऑपरेटर की मदद से। चेक क्या होगा, यदि यन का मान बड़ा हो जीरो से, तो बताइए क्या 5 जीरो से बड़ा है, जी हाँ, कंडीशन आपकी ट्रू होगी। तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल ब्लॉक में आएगा और दो लाइनें दी हैं, पहला कॉन्ग्रेट्स प्रिंट करेगा और फिर क्या प्रिंट होगा, द नंबर इज पॉजिटिव। यानी देखिए कितनी आसानी से पाइथन चेक कर लेगा कंडीशन ट्रू है या नहीं, ट्रू के केस में ये ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अब मैं दूसरा केस आपके सामने कहता हूं, अगर यूजर ने यन पर क्या दे दिया, 5 के बजाय, ओवरराइट कर रहा हूं मैं, देखिए 0, तब क्या होगा बताइएगा आप लोग। उस केस में जब चेक होगी कंडीशन, क्या जीरो, एन का मान जीरो से बड़ा होगा, नहीं, तो ये कंडीशन अब क्या हो गई, पलट के बन गई, फॉल्स केस हो गया। जीरो जीरो से बड़ा नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे जब जीरो जीरो से बड़ा नहीं होगा तो ये कंट्रोल इफ के ब्लॉक में आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो इन दोनों लाइनों का एग्जीक्यूशन होगा भी नहीं, तो आपको कुछ भी प्रिंटिंग नहीं करेगा। तो ये देखिए एक बहुत ही साधारण सा इफ स्टेटमेंट है जिसके द्वारा आप कंडीशन पे वर्क कर पाते हैं। लेकिन इफ की एक कमी भी है बच्चों। क्या कमी है, कि यदि आपको ऐसा लगता है कि कंडीशन ट्रू हो तब भी कुछ हम चाहें एग्जीक्यूट करना, और कंडीशन फॉल्स हो तब भी हमको चाहें एग्जीक्यूट करना, ऐसा कैसे होगा। ऐसा करने के लिए आपको बच्चों यूज करना है किसको, अगला एग्जाम्पल, अगला कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं इफ एल्स। ये आपका इसी पर्पस के लिए बना है, तो मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, इट इज यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट इफ द कंडीशन is true and also execute statements if the condition is false। अर्थात if else की मदद से क्या होगा, जो if else की मदद से दोनों केस में वर्क होगा, ट्रू केस के लिए भी कार्य होगा और फॉल्स केस के लिए भी वर्क होगा। तो आइए दिखाता हूं मैं इसका सिंटैक्स। if else का सिंटैक्स आप देखिए, if कंडीशन, ये देखिएगा स्टेटमेंट जितने भी आप चाहते हैं, एल्स ये देखिए, अब क्या होगा बच्चों,
यहाँ पर क्या होगा, इफ के साथ की दी गई कंडीशन चेक की जाएगी। अगर ये ट्रू करेगा, कंडीशन ट्रू होगी, तो आपका मान लीजिए ये एक नंबर है, ये एक नंबर वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन बच्चों अगर ये कंडीशन ट्रू के बजाय क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो आपका कौन सा नंबर, दो नंबर वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। अर्थात यहां पर दोनों के दोनों केस में एग्जीक्यूशन होगा, कंडीशन ट्रू के केस में भी और कंडीशन फॉल्स के केस में भी। तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव स्टेटमेंट है मुझे लगता है, और आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। अब आइए इसका एग्जाम्पल मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल ऑफ इफ एल्स, देखिए सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपने यन पर कोई वैल्यू दी, मान लीजिए 6, सीधे वैल्यू दे रहा हूं। इफ अगर यन बड़ा है किससे, 0 से, तो प्रिंट वही मैसेज जो पिछले एग्जाम्पल में लिया था, कॉन्ग्रेट्स, प्रिंट नंबर इज, और अगर ऐसा ना हुआ एल्स, प्रिंट सॉरी, फिर प्रिंट नंबर इज निगेटिव। देखिए बच्चों यहां आप ध्यान देंगे तो आपको निश्चित तौर पे समझ में आएगा, यन का मान कितना है, 6 है। चेक होगी कंडीशन, क्या 6 0 से बड़ा होगा, जी हाँ कंडीशन ट्रू है। तो कौन सा ब्लॉक, आपको मैंने कहा था ये एक नंबर है, बताइए ये रन करेगा ना, बिल्कुल रन करेगा। लेकिन लेकिन मान लीजिए यन का मान 6 के बजाय यूजर ने -6 कर दिया, उस केस में बताइएगा क्या -6 बड़ा होगा 0 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स। उस केस में एल्स के पास आएगा और कौन सा ब्लॉक, नंबर 2 वाला एग्जीक्यूट करेगा। अर्थात दोनों के दोनों ब्लॉक्स कंडीशन के हिसाब से बच्चों एग्जीक्यूट करेंगे। ये कमाल है किसका, ये कमाल है इफ एल्स स्टेटमेंट का। अब इसके बाद पाइथन में जो तीसरा कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों। इफ एलिफ और एल्स ये क्या है, यूजिंग दिस वी कैन हैंडल मल्टीपल कंडीशंस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके द्वारा हम लोग क्या है, मल्टीपल माने एक से ज्यादा कंडीशंस को हैंडल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। कैसे, इसका सिंटैक्स देखिए, इसका क्या सिंटैक्स होगा बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, इफ कंडीशन है ना, जो भी आप कंडीशन देना चाहते हैं, स्टेटमेंट्स, इसके बाद एलिफ अगली कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, और सबसे आखिरी में क्या होगा, एल्स। देखिए सबसे पहले ये इफ के साथ की दी गई कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू होगी तब तो इफ वाला ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, बट अगर ये कंडीशन ट्रू के बजाय क्या बन गई, फॉल्स, तब इफ के बजाय सीधे वो कहां आएगा, एलिफ की कंडीशन यानी दूसरी कंडीशन देखेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तब ये ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, बट ये भी फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, तब सीधे वो कहां आएगा,
आखिरी में जो else दिया है बच्चों, इसके पास आएगा और ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। आप इसी क्रम में ये स्ट्रक्चर बढ़ाते चले जाओ, 1, 2, 100, 200, 1000 कंडीशंस को भी। लेकिन नियम याद रखिए, इसी तरीके से हैंडल होंगी या इसी तरीके से बच्चों मैनेज होंगी। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए इफ एलिफ एल्स का दिखाता हूं। देखिए सब लोग, इफ एलिफ एल्स का एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए मैंने यन पर कोई वैल्यू दे दी 0। अब देखो तीनों केस दिखाऊंगा। इफ यन बड़ा है किससे, अगर 0 से, तो प्रिंट करो, क्या प्रिंट करोगे, यन इज पॉजिटिव। अगर ऐसा ना हुआ एल्स एलिफ, अगर यन क्या है, बराबर है बच्चों किसके, 0 के, तो प्रिंट यन इज 0। और अगर ये भी नहीं है तो निश्चित तौर पे क्या होगा बताइए, क्या प्रिंट करेंगे आप, प्रिंट यन इज निगेटिव। यहां देखिए बच्चों, देखिए कितने आसानी से आप तीनों तरह की कंडीशंस पे वर्क कर पा रहे हैं। मैंने यन का मान 0 दिया, तो क्या यन बड़ा है 0 से, नहीं। क्या यन बराबर है 0 के, हाँ, तो सेकंड कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करेगा यन का मान 0। लेकिन अगर यन का मान 0 भी ना होता तो वो सबसे आखिरी में आता और प्रिंट क्या करता, यन इज निगेटिव। तो इस प्रकार से बच्चों आपको कुछ क्लास में आज आइडिया लग गया होगा कि हम कैसे कंडीशंस पे पाइथन में वर्क कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो आप जब हमारे साथ कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कीजिए। अगर आपको पूरा पाइथन का कोर्स करना है बच्चों, अपनी क्वेरीज को बेहतर तरीके से मैनेज करना है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यूनिक ग्रुप के ऐप को डाउनलोड करके आप प्ले स्टोर से चले जाइए, डाउनलोड कीजिए और वहाँ तमाम बैचेस उपलब्ध हैं। आप बैच को परचेज करके कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कीजिए। पूरी पढ़ाई विथ एग्जांपल विथ प्रैक्टिकल, ये जो थ्योरी बता रहा हूँ मैं बोर्ड पे, ये सीधे पाइथन के थ्रू चला के रन करा के भी दिखाया जाएगा विथ कंप्लीट नोट्स पीडीएफ एंड मटेरियल के साथ। बाकी अगर आपको कोई नंबर्स पे कॉल करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको तमाम नंबर्स मिल जाएंगे, कॉल करके आप अपनी क्वेरीज को पता कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों इस उम्मीद के साथ कि आपको आनंद आया होगा, कुछ ज़रूर आपने सीखा होगा, मैं क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ और फिर मिलने के वादे के साथ आपसे अलविदा कहता हूँ। गुड बाय, थैंक यू एंड नमस्कार।